नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन से जुड़ा हुआ वीडियो है। आप लोगों ने देखा होगा हम कई सारे एप्लीकेशन चलाते हैं, और पहले जो ऐप आते थे दोस्तों वो इतने चीज़ों को एक्सेस नहीं मांगते थे। अब जो भी ऐप आते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि उनको लोकेशन चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट बुक भी चाहिए, गैलरी भी चाहिए, सारे एक्सेस चाहिए। तो दोस्तों, ये पता करने के लिए कि आप लोगों ने गलती से किन किन एप्लीकेशंस को अपनी लोकेशन दे रखी है और परमिशन दिया हुआ है कि जब हम उस ऐप को यूज़ करें तब वह लोकेशन ऑन हो जाए, या फिर लोकेशन हमेशा ही ऑन रहे, तो ये बताने के लिए कैसे आप इसको बंद कर सकते हैं, कैसे आप अवेयर हो सकते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशंस आपकी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। आप लोगों को चलना होगा आपके फ़ोन में जो सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, वहाँ आने के बाद दोस्तों ये आप देख रहे हैं आपको नीचे मिलेगा लोकेशन का एक ऑप्शन, और लोकेशन के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए अभी यहाँ लिखा हुआ है नो एप्स हैव रिक्वेस्टेड लोकेशन रिसेंटली। अभी हमारे फ़ोन में कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जिसने रिसेंटली लोकेशन की मांग की हो। और दोस्तों यहाँ पर जो लिख रहा है ऐप एक्सेस टू लोकेशन, लोकेशन हम जैसे ही यहाँ ऑन करेंगे, देखिए मैं यहाँ इनेबल कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं दोस्तों एक डेटा आया है निकल कर, लिखा है 21 of 49 ऐप्स हैव एक्सेस टू लोकेशन। 21 ऐसे ऐप हैं 49 ऐप के अंदर जो कि हमारी लोकेशन को एक्सेस करते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो हमेशा आपकी लोकेशन की जो है मांग रखते हैं, अलाउड ऑल द टाइम हमने दे रखा है। कैमरा हुआ, गूगल हुआ, जीपे हुआ, वेदर हुआ, इसके बाद अलाउड ओनली वाइल इन यूज़, कुछ ऐसे ऐप हैं दोस्तों जब ऐप का इस्तेमाल किया जाता है तब ये काम आते हैं, तब ये हमारी लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पूरी डिटेल दिख रही है और ये आप नीचे तक देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आस्क एवरी टाइम में आप देख रहे हैं ये ऐप है जो हमेशा जब भी आप इनको ऐप को ओपन करते हैं तो आपसे ये मांगे जाते हैं। और दोस्तों जो लास्ट लिस्ट है वो है डिनाइड की, जहाँ पर ऐसे ऐप हैं जिनको हमने लोकेशन के लिए मना कर रखा है, पूरी तरह से हम इनको लोकेशन नहीं देते हैं। ये जितने भी आप यहाँ पर ऐप देख रहे हैं इनको लोकेशन का एक्सेस नहीं दिया गया है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने गलती से अलाउ कर रखा है और आप बंद करना चाहते हैं, तो आप टैप करें, जैसे हमने कैमरा पर टैप कर दिया है, आप चार ऑप्शन ओपन हो गए हैं, अलाउ ऑल द टाइम, अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दी ऐप, आस्क एवरी टाइम और डिनाई। तो आप यहाँ पर डिनाई कर सकते हैं, डिनाई करने के बाद डिनाई एनी वे कर दें, और जैसे ही आप बैक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लिस्ट में से कैमरा हट गया है और कैमरा नीचे चला गया होगा। ऐसे ही आप वेदर को भी यहाँ पर जाएं, और आप अगर करना चाहते हैं कि जब ये ऐप ओपन हो तब यूज़ हो, या फिर आप हर बार जब इसको ओपन करें तो ये लोकेशन का आपको मैसेज दे, तो हम इसको कर देते हैं आस्क एवरी टाइम और ये बैक कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं आपके पूरे एंड्रॉयड फ़ोन के एप्लीकेशंस की लोकेशन को, किस को लोकेशन आपको देनी है, किस ऐप को लोकेशन नहीं देनी है, ये इस ऑप्शन से सेटिंग्स में जाके आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी होता है आज के डेटा के टाइम में, आपकी लोकेशन को कौन ट्रेस कर रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सिंपल से ऑप्शन से मोबाइल के अंदर ही पता होते हैं, हमें कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन दोस्तों इन्हें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को सेंड कीजिए और लोगों को बताइए, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।